हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल वाई आर क्लास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान, यानी विज्ञान में आपका तीन पार्ट है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका है जीव विज्ञान। यानी जो जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान में जो पहला अध्याय आपका है, जो पहला पार्ट आपका है, उस पार्ट का नाम है जैव परक्रम। यानी जैव परक्रम में जितने भी बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आएगा और हमारे चैनल वाई आर एस क्लास को सब्सक्राइब भी आप करोगे। तो यहाँ से हम चलते हैं प्रश्न नंबर एक की तरफ। प्रश्न एक कह रहा है आपके सामने, मानव हृदय में, मानव माने इंसान, मानव हृदय में कक्षों अर्थात वेशमों की संख्या होती है। यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने वेशम होते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक आपका है एक, बी ऑप्शन दो है, तीसरा ऑप्शन आपका तीन है, जबकि चौथा ऑप्शन आपका चार है। यानी मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, एक दो तीन चार। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने बताने वाला हूं, जो कि आपका सही आंसर है वो कि ऑप्शन नंबर डी आपका चार सही है। यानी जो मनुष्य का हृदय, उसमें आपके चार वेशम होते हैं, चार कक्ष होते हैं, दो अलिंद होता है और दो आपका निलय होता है। यानी दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, आपका चार वेशम होते हैं, चार कक्ष होते हैं। यानी मनुष्य के हृदय को चार कक्षों में बांट दिया गया है, दो जिसमें दो अलिंद हैं और दो निलय हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दो की तरफ, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, एग्जाम की दृष्टि अगर देखा जाए तब। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है। तो रुधिर के माने होता है खून। जो पल्मोनरी शिरा होती है वो खुलती है या कहे रुधिर लाती है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, दाएं अलिंद से लाती है या बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में। यानी जो पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, वो इन चार ऑप्शन में आपके एक ऑप्शन सही है, वो मैं ऑप्शन आपके सामने बताने वाला हूं, दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। यानी जो पल्मोनरी शिराएं खुलती हैं या रुधिर लाती हैं, उन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बी आपका है बाएं अलिंद में। यानी बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिराएं खुलती हैं और रक्त भी लाती हैं। प्रश्न नंबर तीन आपके सामने है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। ये फुफ्फुस धमनियां होती हैं, उस धमनी में से अशुद्ध रुधिर, रुधिर के माने खून होता है, रक्त होता है, चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हृदय में चला जाता है, बी ऑप्शन है फेफड़े में, डी सी ऑप्शन है दाएं अलिंद में, जबकि डी ऑप्शन आपका शरीर की अग्र एवं पश्चिम महाधमनियों में। यानी जो फुफ्फुस धमनियां होती हैं वो अशुद्ध रुधिर कहां ले जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही, जो कि क्या है, फेफड़ा है। यानी फेफड़े में फुफ्फुस धमनियां अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं। प्रश्न नंबर चार आपके सामने है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। यानी जो फेफड़ा आपका है, इसमें शुद्ध रुधिर कहां से आता है, फेफड़े में शुद्ध रुधिर कहां से आता है। ऑप्शन ए है बाएं अलिंद से, बी ऑप्शन दाएं अलिंद से, जबकि सी ऑप्शन है बाएं निलय से और डी ऑप्शन है दाएं निलय से। यानी जो फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त होता है वह कहां से आता है, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी बाएं निलय से आता है। यानी बाएं निलय से फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, कहां से आता है, शुद्ध रुधिर जो होता है वो बाएं निलय से फेफड़े में आता है। प्रश्न नंबर पांच आपके सामने है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यानी जो शुद्ध रुधिर होता है शरीर के विभिन्न भागों में, इन चार ऑप्शन में कौन से अंग ले जाती है, कौन सा भाग ले जाता है। तो ऑप्शन ए है शिराएं ले जाती हैं, बी ऑप्शन है महाशिराएं, सी ऑप्शन दाया निलय और डी ऑप्शन है महाधमनी।
यानी यहाँ पर जो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, इन चारों भागों में कौन सा भाग ले जाता है, जो कि इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चार सही है, वो आपका महाधमनी है। यानी महाधमनी की सहायता से शुद्ध रुधिर शरीर की विभिन्न भागों में प्रवेश करते, विभिन्न भागों में जाता है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, 6 आपके सामने है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। पादपों से पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, बी ऑप्शन है जल का संवहन, जबकि सी ऑप्शन है भोजन का संवहन, और डी ऑप्शन आपका है अमीनो अम्ल का संवहन। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम का जो कार्य होता है वह ऑप्शन नंबर बी आपका भी सही है, जल का संवहन। यानी पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का संवहन होता है। क्या होता है, जल का संवहन किसमें होता है, पादपों में जाइलम, पादपों में होता है। ठीक, जाइलम का कार्य यह है, क्या है, जल का संवहन है। जो जाइलम होता है वो पादपों में पाया जाता है, और जाइलम का कार्य क्या है, जल का संवहन करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। यानी जो फ्लोएम होता है उसके अंदर भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है सुक्रोज के रूप में होता है, बी ऑप्शन प्रोटीन के रूप में होता है, सी ऑप्शन आपका है हार्मोन्स के रूप में होता है, जबकि डी ऑप्शन आपका है वसा के रूप में होता है। यानी जो शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थ अर्थात क्या है, फ्लोएम है ना, फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर है, जो कि सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में आपका फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं, और 8 प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य मुख उत्सर्जी यानी खास उत्सर्जी अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है वृक्क, बी ऑप्शन फेफड़े, सी ऑप्शन त्वचा, जबकि डी ऑप्शन यकृत है। यानी मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका वृक्क बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और आपको भी हम लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मनुष्य में वृक्क यानी किडनी, वृक्क फॉर किडनी होता है। ठीक, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यस, जो संबंधित है। यानी मनुष्य में जो वृक्क है, जो किडनी है, एक तंत्र का भाग होता है, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है पोषण से है, बी ऑप्शन श्वसन यानी सांस लेने से है, सी ऑप्शन उत्सर्जन से बाहर करने से है, डी है परिवहन अर्थात लाने से है। तो यानी मनुष्य में जो वृक्क अर्थात जो किडनी होता है एक तरह का एक तंत्र होता है, एक भाग होता है, जो संबंधित किसका है। इस चार ऑप्शन में पोषण श्वसन उत्सर्जन और परिवहन, चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी उत्सर्जन सही है। जो उत्सर्जन क्या करता, उत्सर्जन जो होता है वो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है, जो संबंध किससे है, उत्सर्जन है। यानी वृक्क की सहायता से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, 10 आपके सामने है, वृक्क बना होता है यानी जो किडनी होता है, जो गुर्दा होता है आपके शरीर के अंदर, वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए है मूत्र वाहिनियों से, बी ऑप्शन है मैल पीघी या नलिकाओं से, जबकि सी ऑप्शन है नेफ्रॉन से, डी ऑप्शन आपका है शुक्रजनक नलिकाओं से। यानी यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। 10 वृक्क बना होता है, किसका बना होता है, मूत्र वाहिनियों से, मैल पीघी नलिकाओं से, नेफ्रॉन से, शुक्रजनक नलिकाओं से। जो वृक्क बना होता है इन चारों ऑप्शन में बच्चा आपका सी ऑप्शन कौन सा है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन से क्या बनता है, वृक्क बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, 11 से कह रहा है बोमेन संपुट भाग है,
बोमेन संपुट एक भाग है किसका है? इन चारों ऑप्शन में बोमेन संपुट एक भाग है किसका भाग? इन चारों में आपसे एक है सही है। ऑप्शन ए है पित्त वाहिनी का भाग है, बी ऑप्शन अग्न्याशय वाहिनी का भाग है, सी ऑप्शन प्रोस्टेट ग्रंथ का भाग है, जबकि डी ऑप्शन वृक्क नलिका का भाग है। यानी जो बोमेन संपुट भाग है वो ऑप्शन नंबर डी आपका वृक्क नलिका का भाग होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तब ये है। यकृत संश्लेषित करता है, यकृत जो होता है वो क्या करता है? संश्लेषित करता है। इन चार ऑप्शन में किसको इकट्ठा कर किसको संश्लेषित करता है? शर्करा का, बी ऑप्शन रुधिर का, सी ऑप्शन यूरिया का और डी ऑप्शन प्रोटीन का। यानी जो यकृत होता है वो इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी यूरिया का संश्लेषित करता है। यकृत जो होता है वो संश्लेषित किसको करता है? यूरिया को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था जीव विज्ञान अध्याय जो प्रक्रम के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे मैं आज इस वीडियो में आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है वीडियो को लाइक करें और हमारा आपका भी चैनल यही है YRS क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख लें, ताकि वो सभी प्रश्न जो पिछला वीडियो बनाया गया है उन सब प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ जाओ और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप करके आओ, जिससे हमारे वाई क्लास का चैनल आगे बढ़े और आप भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।